के नेता प्रदीप चौधरी ने किसानों के साथ बैठक की और कृषि बिल को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर 7 दिसंबर से किसान पद यात्रा का आयोजन पूरे प्रदेश में होने जा रहा है, जिसको लेकर आज सभी समाजवादी साथियों को पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तमाम साथियों को गिरफ्तार भी किया गया कि गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों में किसान पद यात्रा होनी थी, लेकिन पुलिस लगातार रात से हमारे घरों पर दबिश दे रही थी। लेकिन मैंने पुलिस के लाख प्रयत्नों के बावजूद भी अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया और मैं पुलिस को चकमा देकर रात को इधर से चला गया था। मुझे पता था पुलिस हमें यह कार्यक्रम नहीं करने देगी। उसी तहत में आज अपने निर्धारित कार्यक्रम ग्राम पंचायत सकरवा में होने वाली पद यात्रा में सम्मिलित हुआ और हमने किसान चौपाल के माध्यम से कार्यक्रम में सहभागिता की और किसानों में भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। इस मौके पर राजपाल यादव, ब्रिजपाल यादव, गजेंद्र यादव, महेंद्र यादव आदि सपा कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। पूरे प्रदेश में समाजवादी पदयात्रा का 7 दिसंबर से आयोजन किया जा रहा था, जिसको लेकर के आज मैं अपनी विधानसभा गोवर्धन गांव सकरवा में किसानों के बीच में पदयात्रा करने आया हूं। और जिस तरीके से पुलिस ने आज मुझे मथुरा रोकने का काम किया, हमारे तमाम साथी गिरफ्तार करने का काम किया, लेकिन पुलिस हमको नहीं पकड़ पाई और आज मैं कार्यक्रम सकरवा में कर रहा हूं और हम लोग लगातार किसानों के बीच में पदयात्रा का आयोजन करते रहेंगे। पुलिस हमको नहीं रोक पाएगी क्योंकि हम किसान के बेटा हैं और किसान को पुलिस कभी रोक नहीं पाएगी। किसान इतनी तादाद में है, आज लाखों करोड़ों लोग हमारे पीछे हैं क्योंकि हम किसान के बेटा हैं और किसान की बात उठाते रहेंगे। हम जेल जाने से नहीं डरते हैं, हम चैलेंज करते हैं पुलिस को कि हम लगातार गोवर्धन में कार्यक्रम करेंगे, पुलिस हमें पकड़ के बताए। जिस तरीके से आज पुलिस ने लगातार सुबह से हमको घेरने का काम किया, हमारे तमाम साथियों को बंद कर लिया पुलिस लाइन में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज घर पे घेरने का काम किया। क्यों डरते हैं योगी आदित्यनाथ जी? अगर जनता में काम किया तो जनता में फेस कराओ। अखिलेश यादव जी को जनता में जाने दो, तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें इस बात का डर है अखिलेश यादव जनता में जाएगा तो तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि तुमने कोई विकास कार्य नहीं किया है। अखिलेश यादव जी के कामों का फीता काटने का काम किया है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि जनता में जाके तुम फेस कर सको, इसलिए तुम अखिलेश यादव जी को रोकने का काम कर रहे हो। इन समाजवादियों को रोकना ऐसे समझो मुट्ठी में पानी लेना योगी आदित्यनाथ जी। जब पानी मुट्ठी में नहीं रुक सकता, कैद नहीं हो सकता, तो समाजवादी आपकी मुट्ठी में कैद नहीं होगा। इसी को लेकर आज गांव सकरवा में तमाम किसानों के बीच में हम आए और लगातार अब अगले गांव में जा रहे हैं कोनई में। हम किसानों के बीच में रहेंगे और किसान पदयात्रा का आयोजन होता रहेगा, ये पुलिस हमको नहीं रोक पाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। नोएडा में सरकारी